ये रही, ओ ये तो रह गया, ओ ये वो आपका फेवरेट रिंग डिस्क याद है, ये लो इसको भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा परेशान करता है यार, बीच बीच में कंपटीशन के बुक्स में बहुत परेशान करता है ये, अब नहीं करेगा। ये शीट बनी हुई है। सबसे पहले अगर आप फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करें, स्टार्ट पॉइंट चार से हुआ था, पोटेंशियल भी पॉइंट चार से हुआ था, अब तक कर क्या रहे हैं? आपने देखा जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो पॉइंट चार्ज पे किए, क्या मैंने कोई रिंग ली, डिस्क ली, स्फेयर लिया, मैंने कुछ नहीं लिया, पॉइंट चार्ज है। तो अभी तक आज हमारा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, या पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, किसके लेके, पॉइंट चार्ज को लेके। अब हम जाएंगे रिंग, डिस्क, शेल, स्फेयर, ठीक है? तो और इसके बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, और फिर शेल्स की प्रैक्टिस होनी है, शेल्स का एक पूरा लेक्चर है, देखते हैं आज होगा कि नहीं होगा, मुझे पता नहीं, वो तो एक गो में होगा, जब भी होगा तो आज तो बीच में फंस जाएगा। तो देखते हैं आज हम पुराना काम ही खत्म करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव खत्म कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा और थोड़ा आराम से कोर्स चलेगा। तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एंड डिस्क की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने जो किया वो क्या किया, क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ई क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r का स्क्वायर, राइट? ये हमने कर लिया। नेक्स्ट रिंग, रिंग में ये आपके पास एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। ये एनसीईआरटी में नहीं है जो मैं कराने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, रिंग रिंग का है लेकिन डिस्क का नहीं है। रिंग का तो फिर भी ई पूछा जाता है, डिस्क का नहीं है। तो रिंग का हमने ई किया था क्या, वो कंपोनेंट्स लेते थे, हाँ किया हुआ है, राइट, ठीक किया हुआ है। तो इसके अंदर ये आपके पास एक रिंग है, और आपको आज की डेट में जो पोटेंशियल आता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज का ही आता है, और तो कुछ नहीं आता। तो आपको पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालना आता, तो एक काम करें, रिंग में तो काफ़ी बड़ी रिंग है, आप इसका एक छोटा सा क्या ले लें, एलिमेंट ले लें। तो ये आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसके ऊपर स्मॉल चार्ज कितना है, डी क्यू। तो अगर ये कैपिटल आर है, ये एक्स है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, क्लियर है, ठीक है? तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट यहां पर क्या पोटेंशियल लगाएगा, इट्स अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, क्लियर है यहां तक? तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पॉइंट चार्ज की तो वैलिड ही है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को हर एलिमेंट का डीवी 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 लेना है और इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं, ये तो एक एलिमेंट है, अब पॉइंट ये है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो वेक्टर था, तो यहाँ वेक्टर बना करते थे, याद है, एक वेक्टर इधर एक इधर, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉम्पोनेंट्स कैंसिल, इसमें कुछ नहीं बनेगा। इसमें हमने एक एलिमेंट का डीवी निकाल लिया, इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी रिंग का आ जाएगा। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन तो ये 0 से V तक इंटीग्रेशन है, कॉन्स्टेंट सारे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हम पोटेंशियल कहाँ पर निकालना चाहते हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम पोटेंशियल एट अ फिक्स पॉइंट निकाल रहे हैं। तो एक्स कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू, तो डी क्यू की इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगेगी, 0 से Q, तो 1 DQ की इंटीग्रेशन क्या होती है, क्यू, तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, क्यू, ये आंसर आ गया। तो प्लीज़ आपने इसका एक सिर्फ फॉर्मूला स्टार लगाना है, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो रिंग का ई हमने किया हुआ है, आज हमने रिंग का क्या कर दिया, एक्सिस के ऊपर वी भी कर दिया। तो हमने इस एक्सिस पे ई किया था, हमने इस एक्सिस पे आज क्या कर लिया, वी भी कर लिया। तो ये भी फॉर्मूला आपने नोट करना है। तो बना रहे हो ना रजिस्टर फॉर्मूलाज का, भर जाएगा पूरा रजिस्टर में, 100% लिखने को, इतने फॉर्मूलाज हैं +2 में, आपने अपने मेरे ख्याल से पूरे पहली से 10वीं क्लास में ना किए होंगे, जो अकेली +2 आपको करवा देगी, इतने हैं, मतलब ठीक है, ठीक है, +2 में यार ज़्यादा हैं, +1 में इतने नहीं थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, पर +2 में डबल हैं उससे +1 से। तो रजिस्टर पक्का भरेगा, मतलब दो एक टॉपिक खत्म करते नहीं यार, दो फॉर्मूले तो लिखवा देते हैं, नोट कर लो, ऐसा हो नहीं रहा। अच्छा अभी और, अभी हो जाएगा और होगा, ठीक है? तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये वी वी का फॉर्मूला याद हो गया। क्वेश्चन आएगा, सेंटर के ऊपर वी निकालो, इस रिंग के सेंटर पे वी निकालो, सेंटर पे एक्स को क्या पुट करेंगे,
सेंटर पे, अगर मुझे इस पॉइंट को सेंटर पे लेके आना है तो एक्स क्या करेंगे, ज़ीरो, तो सेंटर पे आ जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पर उठा के एक्स को क्या पुट कर दें, ज़ीरो। आंसर क्या बढ़िया फॉर्मूला आ गया कि वी की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द रिंग। ये फॉर्मूला तो वैसे ही सबको पसंद है क्योंकि तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला जब एंड में आता है तो बंदे को ये खुशी होती है, चल नया फॉर्मूला नहीं है, कम से कम ये तो मैं कर ही लूंगा। वेयर कैपिटल आर दी रेडियस ऑफ द रिंग। तो आज के बाद रिंग के सेंटर पे ई की वैल्यू क्या थी, रिंग के सेंटर पे ई क्या था, जीरो। रिंग की सिमेट्रिकल बॉडी है यार, हर तरफ से वेक्टर कैंसिल करते थे, तो ई क्या था, जीरो। वी क्या है, जीरो नहीं है, ये है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या ऐसा हो सकता है, वो पूछेगा कि किसी पॉइंट पर ई जीरो है पर वी जीरो नहीं है। हाँ हो सकता है, रिंग के सेंटर पे ई जीरो है, चार्ज रिंग के सेंटर पे ई जीरो है पर वी जीरो नहीं है, तो हो सकता है। नहीं है, जरूरी नहीं है, जीरो भी हो सकता है। नहीं, कई कई देखो कांस्टेंट में दो मतलब होते हैं, या फिक्स्ड वैल्यू या जीरो, जीरो भी कांस्टेंट ही माना जाता है। अब वो केस टू केस वेरी करेगा, कहीं पर भी कांस्टेंट आ जाएगा, कहीं पर जीरो भी आ जाता है। तो ये भी सही नहीं बोलना कि जहां ई जीरो है वहां वी कांस्टेंट है, हमेशा जहां ई जीरो है वहां वी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। वी मेटल क्यों, ऐसा क्यों, ये मेटल की रिंग है, ये मेटल की रिंग है, मेटल की रिंग क्योंकि लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, उसके सरफेस पे रहेगा चार्ज, चाहेगा कहाँ, पतली सी रिंग है, थिकनेस तो आप लेते ही नहीं हो उसकी, तो फर्क कुछ नहीं पड़ रहा इसमें, चाहे कंडक्टिंग चाहे नॉन कंडक्टिंग, इसमें कोई चक्कर नहीं है। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का चक्कर एक जगह पड़ता है, कहाँ पर, सॉलिड स्फेयर में, और कहीं नहीं पड़ता। क्या ये पॉइंट क्लियर है यार, इतना बढ़िया कोर्स है प्लस टू का, कमाल का कोर्स है यार, आपको नहीं लगता कि दुखी हो गए हो चार्ज से, तंग हो गए हो यार, चार्ज नहीं जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड यार दुखी कर दिया है ना, ई नहीं खत्म होने को आ रहा, ऐसा लग रहा है कि पहली क्लास में बैठे हैं, पता नहीं और कितना ई करे जा रहे हैं, है ना, ऐसा वैरायटी नहीं है, फ्लेवर जल्दी जल्दी चेंज नहीं है, प्लस वन में फ्लेवर बहुत चेंज था, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ ऐसा था, चलो करना तो पड़ेगा ही क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वैसे आपको एक बात बता देता हूँ मैं, आपके कॉम्पिटिशन जो सीट दिलवाएगी ना उसमें प्लस टू का बहुत बड़ा योगदान होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, मेरी याद रखना, ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, आप खुद ये फील करोगे, क्योंकि प्लस टू आप बोर्ड के लिए ज़बरदस्त तैयारी करोगे एंड तक, तो आपकी प्लस टू तो इस तरीके से टिप्स पे रहती है, तो आपका आधा पेपर तो कंपटीशन का सिर्फ प्लस टू ही पार करा देगी, आपको चाहे पसंद हो या ना हो, वो अपने आप ही पसंद हो जाएगी, जब चीज़ आती है तो अपने आप पसंद हो जाती है, तो प्लस टू बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। अब जिस स्टूडेंट की प्लस वन भी स्ट्रांग होगी, देखो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो पक्का ही उड़ा देगा पेपर। अब प्लस टू तो आप हो गए सारे तैयार कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, फिर प्लस वन कौन करेगा, जो निकलने वाला है वो प्लस वन भी करेगा, बस वो आगे निकल जाएगा, बस यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा पड़ जाता है। तो सब्जेक्ट तो तीन है ना, एक हो तो बंदा काबू भी कर ले, तीन यहाँ तो तीन नहीं काबू हो रहे, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मैथ एक दिन छूट जाता है, तो जिस दिन मैथ ज़्यादा पढ़ लो उस दिन फिजिक्स छूट जाती है, जिस दिन फिजिक्स पढ़ लो उस दिन केमिस्ट्री छूट जाती है, और जिस दिन तीनों का टेस्ट आ जाए उस दिन तो बंदे के पूरे सर्वर ही फेल हो जाते हैं, मतलब यार ये तो गए, ये नहीं होता, जो होगा देखी जाएगी। एंड में बंदा क्या करता है, रात को 12 बज गए 1 बज गए तैयारी नहीं हो रही, तीनों ने रखा हुआ है, अब किस किस को जाके कहेगा टेस्ट मत रख, ये लो जी हो गया जो होना था, डन, ऐसे होता है यार, हमने भी पढ़ाई की है यार, हमें भी पता है, ठीक है, बंदा अपनी जान तो पूरी लगाता ही है, ऐसा तो नहीं कह रहा कि बंदा तो ठीक है जितना हो गया ठीक है, पर इट्स ओके, तो रेगुलर प्रैक्टिस करो, वही बचाती है आपको, कुछ नहीं है, तो यही है। और कॉलेज में जाके इससे बुरा हाल होता है, मतलब उसमें तो लेवल ही कुछ और है पढ़ाई का, ठीक, तो आपका ब्रेन एक स्कैनर की तरह काम करेगा, एक एक दिन पहले आप पूरी पूरी किताब करने की कैपेसिटी रखेंगे, चार चार चैप्टर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट जैसे, दो दो तो कर ही देंगे एक दिन में, हाँ हाँ एक दिन या दो दिन में कह रहा हूँ मैं, कोई इससे कोई हैरानगी की बात नहीं है, अपने कॉलेज किसी बंदे से पूछ लेना जाके कि पढ़ाई कैसे होती है होती है ना देखो तो क्या है पॉइंट क्लियर है, तो रिंग का सेंटर पे वी मैक्स होता है, वी मैक्स होता है,
तो रिंग के सेंटर का जो ग्राफ ग्राफ अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए प्लॉट करने को, तो ऐसा बनता है रिंग के सेंटर पे वी मैक्स है और इधर जाओगे तो वी कम हो जाएगा। तो ग्राफ मैंने ई का भी करवाया था, ग्राफ वी का भी है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें मेथड टू भी है। देखो ओ कमाल है, देखो मतलब कितनी दिल से शीट लिख रखी है, वो कितना वेला आदमी हो सकता है ना लिखने वाला ऐसे ही बैठा होगा यार, मेथड वन मेथड टू, मतलब फ्री टाइम देखो आप कितनी फ्री उससे लिखा होगा मैंने, है कि नहीं? चलो तो मेथड टू, मेथड टू इसलिए क्योंकि यार कई किताबें जो पढ़ते हैं ना वो मेथड टू से सॉल्व करती हैं, बच्चा ले आता है सर देखना जरा आपने ऐसा कराया वो ऐसा करता है, तो मेथड टू हमने करना नहीं है कोई भी, मैं भी नहीं करता, बता के छोड़ दूंगा। ये रिंग है, ये रिंग के एक्सिस पे ई है, ई का फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में किया हुआ है, ई का, वी का नहीं, निकालना क्या है वी। अब मैंने आपको रिजल्ट बताया ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स, तो हमने कई क्वेश्चन किए अगर ई गिवन हो और वी निकालना हो तो लगाओ फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई, ई की वैल्यू यहां पुट करेंगे, पुट करके इंटीग्रेट करेंगे और अपने आप यही वी आएगा। आपको के किया क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर एक इंटीग्रेशन यूज जो हमने प्लस वन में की थी, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करके एक टॉपिक है, मैथ के टीचर आपको करवाएंगे अभी इस साल, तो वो सब्सटीट्यूशन के इंटीग्रेशन से ही ये प्रूव होता है। तो मैंने करके दिखा, मैंने करके भी नहीं दिखाया, मैं तो बता दिया कि अगर कोई किताब ऐसी कोई बातें करे कि ई है, ये देखो ना ये ई है, ई से वी निकालना है, तो आप ये भी तरीका फॉर्मुलेट कर सकते हो, हालांकि हमने करना नहीं है, हमने तो कर लिया टॉपिक। और ये भी ट्रू है अगर आपको कोई वी दे और आपसे क्या पूछे ई बता दो, तो कोई टेंशन नहीं, लगा दो फॉर्मूला ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स। जैसे रिंग है, रिंग का वी पता है, रिंग के वी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, बता रहा हूं सिर्फ डिफ्रेंशिएट करके अपने आप ही ई का फॉर्मूला आएगा, पर हमने तो ई का ऑलरेडी फॉर्मूला किया हुआ है, पर मेरा बताना बनता है कि देखो क्या जबरदस्त टेक्निक है, अगर आपको e के आधे फॉर्मूला आते हैं तो v तो समझो इंटीग्रेशन से ऐसे आ जाएगा, मैथ से ही होना चाहिए लेकिन, और वैसे अगर आपको v आता है तो आप बिना किसी फिगर देखे भी किसी भी बॉडी की आप v से सीधा क्या निकाल सकते हैं e, प्रोवाइडेड आपको कैलकुलस आना चाहिए। तो जब कैलकुलस आ जाएगा मैथ्स में फिर आपको ये स्टेप्स भी आसान लगेंगे, पर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ना हमने ये करना है ना हमने अभी ये करना है, क्योंकि e हमने कर लिया v हमने कर लिया, पर मैंने वो मेथड बता दिया कि इस तरीके से भी कई किताबें ई से वी और वी से ई निकाल लेंगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है ये बहुत, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा मेंस में, नीट में, हर किताब ऐसी फिगर दिखेंगी आपको। तो ये दो रिंग्स है, नॉट फॉर एनसीईआरटी, दिस शीट इज, अब ये इस लिखते जाना, दिस इज नॉट फॉर एनसीईआरटी, साथ साथ कहीं पढ़ने बैठ जाओ एनसीईआरटी पेपर से पहले, मतलब कुछ के लिए तो मैं गारंटी ले सकता हूं, कुछ की नहीं ले सकता। हाँ रिंग एनसीईआरटी में भी आएगा, मतलब पूछ सकते हैं वी, फिर भी डिस्क नहीं आती, डिस्क एनसीईआरटी में नहीं आती। देखो तो इसके अंदर दो रिंग्स ले ले, क्यू वन एंड क्यू टू चार्ज है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा उसने, क्वेश्चन पूछा कि ये रिंग्स हैं जिसके ऊपर चार्ज क्यू वन क्यू टू है, आपने चार्ज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज उठाया इमेजिनरी, उसको उठा के इसके सेंटर से इसके सेंटर पर रख दिया, क्या किया? वर्क डन। कितना किया बता दो। तो पहला लॉजिक, वर्क डन जो भी किया, कितने चार्ज को उठा के रखा? क्यू नॉट, क्यू नॉट इस पोटेंशियल का डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या? बी से ए, तो ए इज द फाइनल, बी इज द इनिशियल, वी ए माइनस वी बी, पहला स्टेप क्लियर है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज क्यू नॉट इन टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं आपको वी ए वी बी बता दूं आंसर आ जाएगा, मानते हो? चलो वी ए वी बी कर लेते हैं, वी ऑफ ए पे चलते हैं, ए पे पोटेंशियल कौन लगाएगा? रिंग, ए रिंग लगाएगी, क्या ए रिंग लगाएगी? ए रिंग पे चार्ज है, क्या वो अपने सेंटर पे पोटेंशियल लगाएगी? हाँ या ना? लगाएगी, अभी ऊपर फॉर्मूला किया, रिंग के सेंटर पे वी हमने निकाला, तो क्या ये चार्ज रिंग अपने सेंटर पे वी लगाएगी? लगाएगी। क्या इसकी पड़ोस की पड़ी हुई रिंग इसके सेंटर पे वी लगाएगी? वो भी लगाएगी, क्योंकि एक पॉइंट पे वी कौन लगाता है? उसके आसपास चार्जेस लगाते हैं, यहां पर कितनी चार्ज बॉडीज हैं? दो, रिंग नंबर वन, रिंग नंबर टू, तो रिंग नंबर वन भी वी लगाएगी, रिंग नंबर टू भी वी लगाएगी। तो करें सॉल्व, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल पहली रिंग लगाएगी,
पहली रिंग कितनी लगाएगी? 1/4 pi epsilon naught. पहली रिंग अपने सेंटर पे वी क्या लगाएगी? पहली रिंग का चार्ज कितने Q1 और डिस्टेंस कितने R1. तो क्या बनेगा? 1/4 pi epsilon naught Q1/R1. क्या ये पॉइंट क्लियर है? रिंग के सेंटर पे वी का फॉर्मूला समझ में आ रहा है? अपने का क्लियर है? रिंग के सेंटर पे वी क्लियर है? ठीक, करें आगे. अब ये रिंग से पूछो तू क्या लगाएगी. ये रिंग कहती है देखो ये पॉइंट मेरे किस पे लाई करता है? एक्सिस पे. तो एक्सिस पे कितनी दूरी पे लाई करता है? एक्स. तो ये रिंग के एक्स दूरी पे ये पॉइंट लाई करता है. तो एक्सिस के ऊपर हमने वी का फॉर्मूला क्या किया? 1/4 pi epsilon naught Q2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R2 square प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस. तो क्या ये स्टेप क्लियर है? क्योंकि हमने दो फॉर्मूलाज किए हैं. पहला फॉर्मूला हमने क्या किया? पहला हमने इस रिंग के एक्स दूरी पे वी निकालना सीखा. तो ये फॉर्मूला कहां लगता है? जब रिंग के एक्सिस के ऊपर वी निकालना हो. और दूसरा फॉर्मूला रिंग के सेंटर पे सीखा. क्लियर है यहां तक? तो मैंने आपको ये बताया कि इस रिंग ने अपने सेंटर पे इतना वी लगाया. इस रिंग ने अपने, क्योंकि ए पॉइंट पर पोटेंशियल लगाया, तो इस रिंग ने इस रिंग के लिए ए पॉइंट इसके एक्सिस पे लाई करता है. तो एक्सिस का फॉर्मूला लगा लिया इसके लिए Q2 डिवाइडेड बाय इसका ये डिस्टेंस. कोई डाउट इसमें? तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? वी ए की. अब वी की बात करें, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा? रिंग नंबर 2 लगाएगी, रिंग नंबर 1 भी लगाएगी, दोनों लगाएंगे. ये पॉइंट इस रिंग के कहां लाई करता है? इसके सेंटर पे करता है. तो इस रिंग के सेंटर पे ये वी का फॉर्मूला क्लियर है, 1/4 pi epsilon naught Q2 / R2. और ये रिंग यहां पर बी पर क्या लगाएगा? पोटेंशियल लगाएगा. तो जब आप इस रिंग से पूछोगे तू बी पे क्या पोटेंशियल लगाएगा, तो बी कहेगा, ये रिंग कहेगी कि मेरे से ये डिस्टेंस ले लो. अब ये डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ R1 square plus X square. तो क्योंकि बी पॉइंट मेरे एक्स दूरी पे लाई करता है, तो मैं क्या लगाऊंगा? Q1, इसका चार्ज Q1 अपॉन इस डिस्टेंस को इससे डिवाइड कर दिया. क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये वी निकालना आ रहा है आपको. वी निकालना आ रहा है, अंश क्लियर है? वी निकालना आ रहा है. तो वी कैसे निकाला? इसने अपने सेंटर पे लगाया, सेंटर का फॉर्मूला. इसने इसके सेंटर पे लगाया, तो एक्सिस का फॉर्मूला. तो ऐसे बी पॉइंट पर किसने लगाना है? एक इस रिंग ने लगाना है अपने सेंटर का फॉर्मूला, और इसके लिए ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये फॉर्मूला. क्लियर है? बस यही इसमें गेम थी. वी ए वी बी आ गया ना, तो उठा के वी और वी बी की जगह पुट कर दें. वी ए और वी बी की जगह यहां पुट करेंगे, अपने आप ही बस वर्क डन आ गया, डन. उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है. सॉल्व कैसे करना है वो ऑब्जेक्टिव बनाने वाले की टेंशन है. वो हमें चार ऑप्शन कैसे देता है? क्या पता ऐसे ही दे दे तो यही मार्क कर देंगे. थोड़ा और सिंप्लीफाई करने को कहेगा, सिंप्लीफाई कर देंगे. वैसे बता दूं, ऑब्जेक्टिव वाला आपको एक्स ये आर देगा, ये भी आर देगा, और हो सकता है ये भी आर दे दे. तो जब सारी आर आर दे देगा तो फिर मूवी बन जाएगी आर आर. ओ सॉरी तो फिर क्या होगा? आर की फॉर्म में आंसर आएगा. समझ में आ रहा है यहां तक? तो फिर आर एंड आर हो जाएगा. ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द